हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रोन, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट्स। ऑफ बहुत दिनों से बहुत पॉलिटेक्निक या फिर डी फार्मा स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया हम लोगों के एग्जाम्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो लेटेस्ट अपडेट है उसी के बारे में ही बताइए, क्योंकि बहुत दिनों से आप अपडेट नहीं किए हैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आप लोगों का WBSC TE का साइड में अभी तक कुछ नहीं बोला गया आप लोगों के एग्जाम्स के बारे में, फिर भी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के इतना रिक्वेस्ट के लिए। एक एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे, मैं आप बोल सकते हैं अप्रोक्स आपको बता सकता कि क्या आप लोगों के लिए भी हो सकता है। देखिए, हायर अथॉरिटीज एंड यूनिवर्सिटीज बोलिए, सभी का डिस्कशन हम लोग करेंगे एंड अल्टीमेट देखेंगे कि आप लोगों का क्या हो सकता है। एक अप्रोक्स आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के एग्जाम एंड आप लोगों का आप बोल सकते हैं रिजल्ट का क्या होगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आप लोगों का पॉलिटेक्निक एंड डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बोला था, ये एग्जाम्स कंप्लीटली डिपेंड करते हैं आप लोगों का जियोमेट्रिकल प्लेस के ऊपर। मतलब आप अगर पकड़ लीजिए, आप रहते हैं वेस्ट बंगाल में और कोई स्टूडेंट रहता है उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में, तो वो सब जगह में क्या है, आप बोल सकते हैं केसेस का नंबर बहुत ही कम है, तो वो जगह आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट ग्रीन जोन या फिर आप ऑरेंज जोन बोल सकते हैं, कंटेनमेंट जोन वहां पे बहुत ही कम है। तो वो सब जगह में क्या होगा, जहां पे कंटेनमेंट जोन नहीं है, जहां पे केसेस बहुत कम है, उस जगह पे आपका एग्जाम्स लिए जाएंगे। और जहां पे केसेस का नंबर बहुत ज्यादा है, जब से पकड़ लीजिए आप महाराष्ट्र, वहां पे ऑलरेडी एग्जाम्स ना होने का अनाउंस कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पे फाइनल ईयर्स का एग्जाम लेके बाकियों का एग्जाम्स नहीं लिया जाएगा बोल दिया गया है। तो ये सब जो कॉलेजेस है, ये सब जो यूनिवर्सिटीज है, यहां पे ऑलरेडी बोल दिया जा रहा है कि आप लोगों का एग्जाम्स नहीं होगा, क्योंकि वहां पे केसेस का नंबर जो है बहुत ही ज्यादा है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप लोगों का प्लेस के ऊपर, आप कहाँ पे रहते हैं, किस जगह पे आपका यूनिवर्सिटी है या फिर आपका कॉलेज है और वहाँ पे हालत कैसा है। अगर वहाँ पे बहुत ही बुरा हालत है तो आप लोगों को फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्जाम किसी भी हालत में लेके सोशल डिस्टेंसिंग हो, हर एक चीज़ मेंटेन करके लिया जा सकता है। और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होगा, ऐसा ही अभी तक पता चल रहा है। पर अगर आपका इलाका जो है वहाँ पे कोई भी केसेस आप बोल सकते हैं फाउंड नहीं किया गया है, या बिल्कुल सेफ है, या फिर ऑरेंज जोन है, कुछ केसेस ही आप बोल सकते हैं पकड़ा गया है, तो वो सब जगह पे आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को इंटरमीडिएट लेके फाइनल ईयर सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया जा सकता है। तो मैं बोलूंगा, सिचुएशन हम लोगों को पता है कि दिन ब दिन खराब हो रहा है, और ऐसा कोई भी जगह मुझे नहीं लगता कि बचेगा जहां पे केसेस नहीं पकड़ा जाएगा। तो बहुत ही कम चांस है आप लोगों का एग्जाम्स होने का, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आप लोग सेफ रहिए। अभी अपने आप का बारे में सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए, घर से बाहर ज्यादा मत निकलिए, क्योंकि ये जून और जुलाई जो महीना है बहुत ही टफ होने वाला है इंडिया के लिए। तो ये तो जो महीना है, आप घर से बाहर मत निकलिए, घर पे ही रहिए, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट काम छोड़ के बाहर मत निकलिए ज्यादा, और आपने आपका एंड फैमिली का ख्याल रखिए। अदर जो भी चीज है वो देखा जा रहा है, गवर्नमेंट हो, इंस्टीट्यूट्स हो, वो सोच रहे हैं, और अभी तक आप ये पकड़ सकते हैं जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम होने का चांस बहुत ही कम है, और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका हो सकता है, जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स उनका हो सकता है कि एग्जाम लिया जाए। हो सकता है आप लोगों का हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद, या फिर आप लोगों का हो सकता है जुलाई में ही लिया जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप बोल सकते हैं, सपोज पकड़ लीजिए एक बेंच में एकदम आप एकदम कॉर्नर में एक स्टूडेंट बैठा, और इसका आप बोल सकते हैं दूसरा बेंच के एकदम इस कॉर्नर में एक स्टूडेंट बैठा, मतलब जिगजैग मोड में हो सकता है आप लोगों का एग्जाम लिया जाए, ताकि आप लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। या हो सकता है ये भी कि एक बेंच में एक स्टूडेंट, उसके बाद एक बेंच छोड़ के और एक स्टूडेंट, तो हो सकता है किसी भी आप बोल सकते हैं स्टाइल में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम लिया जाए। आप लोगों को डरने का ज्यादा आप बोल सकते हैं कोई भी जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करके रखिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स दोनों, हो सकता है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एग्जाम ना हो, और हो सकता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्जाम हो, अभी तक जितना मुझे पता है और जितना अभी तक पता चल रहा है। फर्दर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आए WBSC TE का वेबसाइट में, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके मस्ट बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट मस्ट करना। इस चैनल में नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको अब बोल सकते हैं पॉलिटेक्निक रिलेटेड, डी फार्मा रिलेटेड, ITI रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हैं, वीडियो का यही पेंट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।